to all my dear students. Today we are doing a concept known as leadership styles. Yeah, so you know types of leaders, leadership styles. ठीक है. So last time if you people remember, you know, मैंने आप लोगों के साथ यही question जो है start किया था. I had explained you three types. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर. किसी को एग्जाम्पल्स याद है? वील स्टार्ट विथ ऑटोक्रेटिक फर्स्ट. एनी वन रिमेंबर्स द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेटिक? सी स्टूडेंट्स, इसमें इफ यू पीपल रिमेंबर, आई हैड गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर. ओके, ऑटोक्रेटिक का मीनिंग क्या हो जाता है? यू नो, समवन जो खुद बोल रहा है, उसने जो फाइनल किया वही फाइनल है, राइट? ऑटोक्रेसी मतलब ये कब अच्छा होता है लीडरशिप स्टाइल? आई टोल्ड यू, मोस्टली ड्यूरिंग वॉर टाइम, जब यू नो हमें शॉर्ट टर्म में डिसीजंस लेने होते हैं, राइट? नेक्स्ट वन वाज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, बेसिकली यू नो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो जाता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल ऑलरेडी नो दैट. क्या इसका मीनिंग है? यू नो पीपल या तो जो भी टीम मेंबर्स है, दे हैव द राइट टू टेक देयर ओन डिसीजन. ओके, यस. इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दू, मार्क जकरबर्ग. ओके, आई टोल्ड यू बिकॉज फेसबुक में देयर इज अ लॉट ऑफ ओपन कल्चर. आई मीन यू नो एम्प्लॉयज देमसेल्व्स आर एम्पावर्ड कि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके. ठीक है, द नेक्स्ट वन वॉज लेस इज फेयर. नाउ सी स्टूडेंट्स, लेस इज फेयर का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, यू नो, तो अगर आप लोगों को उसमें याद हो, फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, मैंने आपको आई रिमेम्बर इस पर एक वीडियो दिखाया था. ओके, मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है, इज यू नो लेस इज फेयर मीन्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड ऑल है, वो लोग वैसे ही फॉलो करेंगे उसको. ठीक है, सी, ओके, मैं आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. ओके, ओके, सी स्टूडेंट्स, ये जो स्टाइल होता है ना, आई वुड से लेस इज फेयर, मतलब आपको साइलेंट लीडर्स याद है? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, मतलब आप देखो मदर टेरेसा, शी वॉज सच अ साइलेंट पर्सनालिटी, वो ज्यादा बोलते नहीं थे. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल्स दू, यू नो इवन समवन एल्स लाइक कई ऐसे, यू नो विंस्टन चर्चिल एंड ऑल, आपने उनका भी नाम सुना था. व्हाट दे बेसिकली डिड इज, यू नो दे गिव मैक्सिमम फ्रीडम टू पीपल, उन्हें जैसा काम करना है वैसे. सी स्टूडेंट्स, इसके अगेन डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. यू विल आस्क मी एडवांटेज क्या है मैम? डेफिनेटली लोगों को फ्रीडम मिल रही है, दे आर एम्पावर्ड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. ओके, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? पीपल शुड डू द वर्क विद डिसिप्लिन. डिसिप्लिन होना चाहिए, फिर उसमें ऐसा नहीं कि हम टाइम पास करेंगे, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, राइट? सो हम लोग ने यहाँ तक किया था. आई होप आप लोगों को ये याद था. किसी को इसमें कुछ डाउट था? लीडर हमने तीन किए थे, वी हैव टू डू अनदर. ये स्लाइड जो है इसमें देर आर ओनली फाइव रिटर्न, बट स्टूडेंट्स इसके अलावा भी है. ओके, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है ना, उसको हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं. दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी मतलब वही, आप देखो हमारे कंट्री में भी वोटिंग होता है, तो वी ऑल पार्टिसिपेट एज सिटीजन्स. येस और नो, हम सबको हक है सिलेक्ट करने का कि हमारा लीडर कौन होगा. सेम वे तो पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक स्टाइल में भी लीडर को पूरा डिसीजन, आई मीन टीम मेंबर्स को भी पूरा डिसीजन होता है टू अपॉइंट देयर लीडर्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. किसी को इसमें कुछ डाउट है सो फार? नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल. ओके, ओके, फाइन. Now we are starting with transformational. ये मैं leader की बात करी. ओके, actually there are many subtile students. Textbook में भी आपके 9-10 दिए हैं, इसमें भी 5 दिए हैं. There are others also, काफ़ी styles है if you see. ओके, या answer में भी हमारे 3-4 lectures जा सकते हैं, but उतना मैं नहीं कर रही हूँ. ठीक है, see students, ट्रांसफॉर्मेशनल का मीनिंग अगर आप लोगों को पता है, यू नो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रांसफॉर्म्स, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज. ओके,
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं वो। सो मैं आपको इफ पॉसिबल उसका एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ, ठीक है? आपके लाइक यू नो द अदर डिवीजन, जस्ट अभी मेरा लेक्चर हुआ, ठीक है? तो यू नो मैंने उनको एक 9-11 का वीडियो दिखाया था, मैं आज आप लोगों को भी वो दिखाने वाली हूँ। ओके या एंड सी स्टूडेंट्स, मैं और एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, जैसे ही हमारा ये यूनिट हो जाएगा यू नो या मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, तो मैंने क्विज, आई एम वर्किंग ऑन अ सर्टन क्विज, तो आई विल मैं आपको ग्रुप के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? आई विल ऑब्वियसली टेल यू लेटर, मतलब उसमें मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ यू नो कि आप ऐसे ही अटेम्प्ट मत कर देना, पहले आपका जो भी मिस आउट हो गए लेक्चर पहले वो सब रिवाइज कर देना, बिकॉज दिस टाइम आई वॉन्ट नो वन टू स्कोर बिलो 5। 5 तो मिनिमम है, मैं सब में से 8-10 ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके हाँ, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाई, ठीक है? बिकॉज सी 9-11 को आपको शायद रफली पता होगा, अच्छे से नहीं पता होगा, इसलिए लेट मी शो यू अ वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैंने अभी आपके पहले ही वो डिवीजन को, दिस इज ए दिस इज बी डिवीजन, मैंने ए को आपके पहले ये दिखाया था वीडियो। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द वीडियो। समवन कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी येस, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक देयर अगेन। कोई बता सकता है वीडियो दिख रहा है कि नहीं? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल येस मैम, ऐसा कुछ बोलो कोई तो। वन मिनट, लेट मी कम बैक टू द मीटिंग। Let me start sharing again, okay? या हाँ, अभी आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ओके सो मैंने सेम वीडियो वहां पे भी दिखाया था, इसलिए आप लोग को भी दिखा रही हूँ, ठीक है? वॉट एग्जैक्टली 9-11 इज, पहले आप लोग ये वीडियो देखो, ठीक है? बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए 9-11 क्या है। September 9 होता है, राइट? या 1 to 12 में देखो, ये 2001 में ये यूएस पे अटैक हुआ था स्टूडेंट्स। दीज वेर ऑल द टेररिस्ट, दोज हु वेर इन्वॉल्व, ऑलमोस्ट 19 पीपल। ओसामा बिन लादेन, में ये लीडर की बात कर रही थी स्टूडेंट्स। ओके, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 3,000 लोग मर गए। ओके सी, प्लेन्स वेंट इनसाइड द बिल्डिंग। ओके, ऑल ऑफ दिस वॉज प्री प्लान्ड। अगर आपको लग रहा है यू नो स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो, कोई टेररिस्ट है, उसको पता नहीं होगा क्या कि वो प्लेन का अटैक करेगा, उसकी जान चली जाएगी? दे ऑलरेडी न्यू दिस, स्टिल उसने देखो कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया। यू नो स्टूडेंट, पहले यूएस को ऐसे ही लगता था, दे आर द नंबर वन, दे आर द सुपर पावर। ओके, बट ऐसा नहीं हुआ, ओसामा बिन लादेन ने उसके कंट्री में जाके वो लोग को अटैक किया, राइट? मतलब आप खुद सोचो, हाउ ही ट्रांसफॉर्म द होल थिंग, इतना बड़ा। आपको लग रहा है स्टूडेंट्स यू नो दे वेर, इसमें 4 टेररिस्ट थे, दोज हु हैड हाईजैक द प्लेन्स। ओके, हाईजैक मतलब पायलट्स को मार के खुद प्लेन। अब सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि प्लेन खुद से कोई चला पाता है, नो, उसमें यू नो आपको ट्रेनिंग लगती है। तो ये यूएस को अटैक करने के लिए ओसामा बिन लादेन वाज द लीडर यू नो हु हैड प्लान दिस। ओके, इतना सब उसने प्लान किया था। नाउ सी, नाउ लुक एट दिस वीडियो।
इससे आपको समझ में आएगा, यू नो. अभी देखो, जस्ट सी हाउ दीज इवेंट्स हैड हैपन्ड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है. 2001 में हुआ था ये. ओके, सी फर्स्ट, तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो टाइम पे इतने सीसीटीवी एंड ऑल भी नहीं थे. सी, ये लोग दोस पीपल हु वर सपोर्टिंग ओसामा बिन लादेन, वो लोग को भी पता था वो लोग मरने वाले. आप देखो, दिस इज व्हाट अ गुड लीडर इज, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा चेंज लेके आया वो, पूरा वर्ल्ड देखते रह गया, ऐसा इवेंट था, राइट? सी, अभी आप देखना, सी हाउ दिस प्लेन गोज इन टू द बिल्डिंग. दिस इज नॉट अ फिल्म, सच में हुआ था ये. ओके, सी सच अ ह्यूज अटैक, सब लोग मर गए, दोज हु वर देयर इन द प्लेन बिल्डिंग में एंड ऑल थे. ऑलमोस्ट 3,000 पीपल डाइड. ओके, या सी, ये अभी मिलिट्री के लोग भेज रहे हैं वहां पे. ऐसे देर वेर अ टोटल ऑफ यू नो 4 बिल्डिंग्स जहाँ पे ये अटैक हुआ था. ओके, सी मे डे का मीनिंग वही हो जाता है, इमरजेंसी. ओके, यू नो स्टूडेंट्स, इसकी ऐसी स्टोरी है. एट द एंड, जो लास्ट का प्लेन था उसमें जो लोग काम कर रहे थे, दे ऑलमोस्ट केम टू नो अबाउट इट. ओके, कि यू नो दे आर गोइंग टू डाई. वहाँ का, यूएस का टेक्नोलॉजी इतना आगे है स्टूडेंट्स. ओके, ये सब फ्लाइट के नंबर्स है फॉर दोज ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड. ओके, लास्ट प्लेन जो था, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग में नहीं जा सका. दे वे थिंकिंग ऑफ अटैकिंग द व्हाइट हाउस. व्हाइट हाउस मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं. ओके, जस्ट वे डोनाल्ड ट्रम्प स्टेज, वही मैं आपको बोल रही हूँ. सी, ये कैसा वर्ल्ड में इवेंट था, ट्रांसफॉर्मेशनल. मतलब एक ऐसा लीडर जो यू नो ऐसा कोई ऐसा कुछ कर जाता है एकदम हटके, जो एक यू नो इवन मैं अच्छा एग्जाम्पल कहूँ स्टूडेंट्स, इवन फेसबुक गूगल, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था, राइट? नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. मैं आपको, लेट मी सी, ट्रांसफॉर्मेशनल का अच्छा मिल रहा है तो, मतलब जो कंपनी में अच्छे तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं. ओके, ट्रांसफॉर्म पूरा कर देते हैं. ओके, लेट मी सी, ये वीडियो हम देख लेते हैं. ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का ही मीनिंग है स्टूडेंट्स, ही वो लोग चेंज कर देते हैं, विजन के लिए गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को. ओके, हाँ, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लोगों को खुद नहीं पता है वो लोग ये कर सकते हैं, फिर भी अ लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो उनसे ऐसा करा के ले. ठीक है, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के, वही लिखा है. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आप देखो, अगर ओसामा बिन लादेन मोटिवेट नहीं करता एम्प्लॉयज को कि आप ये अचीव करो, कोई अपनी जान नहीं देता, राइट?
इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए वो, तभी वो कुछ नया कर सकता है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का मीनिंग भी यही है स्टूडेंट्स. ओके, इन्फ्लुएंशियल मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ वे, इन अ वे पीपल ट्रीट देम एज देयर गॉड, कि वो भगवान है मेरे. ओके, वो जो बोल रहे हैं सही है अपने लिए. इवन हिटलर का भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, उसके लिए भी लोग अपनी जान दे रहे थे टू फाइट फॉर हिज पर्पस. ओके, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, ट्रस्ट. ओके, ये सब कुछ फैक्टर्स है. फाइन, दिस ऑल इज फाइन स्टूडेंट्स. अभी सी, मैं आपको ट्रांजैक्शनल बाद में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक नया स्टाइल पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे लेसिस फेर एंड ऑल वी आर डन, न्यूरोक्रेटिक लीडरशिप. ओके, सिंस ये आपके उसमें नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू फर्स्ट. फटाफट ये देख लेते, छोटा वीडियो, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. ओके, ओके, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. लीडर पनिशिंग एम्प्लॉयज, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू नो टू, या सी, न्यूरोक्रेटिक लीडर की बात हो रही है स्टूडेंट्स. ओके, मतलब क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, कैसे वो लोग कंपनी में भेदभाव कर रहे हैं सबके साथ. ओके, न्यूरोक्रेटिक पर्सन का मीनिंग यही हो जाता है, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव होता है. ओके, मतलब उसमें क्या कहा है कि वो उसको इमोशनली, सी आपको स्टूडेंट्स पता ही होगा कि इमोशंस में आके हम रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? उसमें भी यही कहा है, मतलब ये लीडर क्या करते हैं यू नो, ये बहुत सेंसिटिव इमोशनल होते हैं. इसेंट्रिक मतलब थोड़े पागल. ओके, मतलब वो लोग को क्या लगता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वही सही है. वो लोग, उनका नाम मतलब यू नो सी, इन अ वे ये लोग जो होते हैं अकाउंटेबल नहीं होते, दे ऑलवेज फील कि दूसरों की गलतियां हैं. ओके, समथिंग लाइक दैट, वही मैं आप लोगों को बेसिकली बोलना चाहती हूँ. ओके, हाउ टू होल्ड अदर्स अकाउंटेबल. हाँ, मतलब आप उनमें से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि उन्हें खुद ऐसा लगे यू नो कि वो लोग रॉन्ग है. ठीक है, हाँ, ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हमने आज न्यूरोक्रेटिक लीडर किया, एट द सेम टाइम वी हैव डन वन मोर. एनी वन रिमेम्बर्स कौन सा था वो, क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशनल. ओके, अभी हमें ट्रांसैक्शनल करना है, एंड मैं एक आपको और एक अच्छा एग्जांपल सिचुएशनल लीडर का दिखा देती हूँ. ओके, सिचुएशनल लीडर ये अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छा है स्टूडेंट्स. ओके, सिचुएशनल मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सी, जस्ट वॉच दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. या देखो, ये स्टोरी जैसा है. ओके, आपको पता ही है बचपन में सबने पढ़ा है ये, राइट? क्या होता है, दोनों के बीच में रेस होती है कि फास्ट कौन पहुंचेगा. ओके, देखो रेस हो रही है. अब देखो, फिर खर वो है जो रैबिट काफी आगे पहुंच गए, उसने क्या सोचा है, चलो मैं थोड़ा टाइम आराम कर लेता हूँ, ये तो वैसे भी कभी मेरे तक पहुंच नहीं पास आ सकता है, राइट? देखो उसमें क्या हो गया, सिचुएशनल मतलब टाइम के हिसाब से वो जो टॉर्टाइस भले ही स्लो था, बट स्टिल ही लॉस्ट द रेस. ओके, सी,
इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिचुएशनल, मतलब टाइम के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना। ओके अगर जमाना बोलती है, आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए उसमें। वी शुडन बी रिजिड कि मैंने ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। ओके अब देखो ये स्टोरी का हमने अब तक इतना ही वर्जन देखा था, अभी दूसरा रेस हो रहा है। ठीक है देखो, एज यूजुअल देखो क्या हो रहा है, वो खरगोश भाग रहा है। ओके वो काफी मार्जिन से जीता सी, मतलब वही उसमें बेसिकली यही लिखा है। सेकेंड ये अपग्रेडेड वर्जन क्या था, हमें आज के टाइम में, मैंने आपको कहा जो जमाने के हिसाब से नहीं चल रहा है वो पीछे हो जाएगा। ठीक है सी देखो, अभी टर्टल को क्या लग रहा है, उसकी स्पीड कम है, अगर वो ऐसे भागते ही रहा तो वो उसे कभी नहीं हरा सकता है, राइट सी। तो सी अब देखो हाउ दिस, हमने अब तक इतनी स्टोरी पढ़ी है स्टूडेंट्स, हाउ द होल सीन इज चेंजिंग नाउ। ओके यस सी, अगेन रैबिट भाग रहा है। ओके उसकी स्पीड है, सी स्टूडेंट्स अब भी, नाउ लुक एट हाउ द सीन इज, बीच में नदी आ गई है। ओके सी टॉर्टोइस को स्विमिंग करने आती है तो वो करने लगा स्विमिंग। सी दिस इज हाउ अ सिचुएशनल लीडर इज, वेरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है हाँ देखो, मतलब टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना भी सीखो, दैट इज वॉट इज टोल्ड बेसिकली। ओके सी बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज वॉट अ लीडर इज, सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना। यू नो स्टूडेंट्स इसमें इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, यू कुड राइट ऑफ सुंदर पिचई। ओके ही इज अ वेरी गुड सिचुएशनल लीडर, क्यों मैं उसका बोल रही हूँ, आप देखो गूगल को पहले कैसा था, हाउ ही हैज यू नो कैसे वो सिचुएशन चैलेंजेस, वेर एज एट द सेम टाइम याहू खुद को नहीं एडजस्ट कर पाया एज पर द सिचुएशन। तो सुंदर पिचाई, आप डेफिनेटली वो इंडियन है, सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो आई एम जस्ट टाइपिंग सुंदर पिचाई बेसिकली। हाँ दिस इज वॉट ही इज, ओके ही इज एन इंडियन, गूगल का सीईओ है ये। ठीक है तो मतलब आज गूगल इतना सक्सेसफुल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन। ओके सी एक बार शाहरुख खान, दिस पर्सन हैज मेट शाहरुख खान ऑल्सो, उतना उसका लेवल है। ओके या सो लेट मी जस्ट स्टॉप दिस वीडियो फर्स्ट, लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। आई होप यू एंजॉय टू लेक्चर, अभी हमारा हुआ नहीं है बट मैंने आपको टोटली एग्जाम्पल थ्रू समझाया है, राइट नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग वंस अगेन मेरी जो स्क्रीन है फोटो। ओके कैन एनीवन टेल मी हमने आज कौन से स्टाइल्स किए हैं, आज ही हमारा आंसर हो जाएगा। या दिस इज द पीपीटी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो हम कर रहे थे। ठीक है अभी ये पीपीटी में से हमारा एक लास्ट ही रह गया है विच इज ट्रांजैक्शनल। ओके इसके बाद वी विल बी डन विथ इट। सो सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शनल का मीनिंग बताऊँ, सी आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग पता ही होगा, येस और नो? ट्रांजैक्शन मीन्स वॉट, पैसे में कुछ लेन देन की बात हो रही है, राइट ट्रांजैक्शन मतलब मैं कुछ लेने गई हूँ। ओके मैंने शॉपकीपर को पैसे दे दिए, मेरा एक ट्रांजैक्शन हो गया, वेरी मच सिंपल। तो यू नो ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होते हैं? ओके अभी अच्छा नाउ टेल मी, ये मैंने आपको शायद पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रही हूँ। अब देखो हैव यू वॉच द मूवी चक दे इंडिया, जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स टू आंसर। चक दे इंडिया मूवी आप सब लोगों ने देखा है कि नहीं, येस और नो? उसमें ओके क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द रोल ऑफ शाहरुख खान, शाहरुख खान का क्या रोल है, जस्ट टेल मी। हाँ गुड, आंसर्स आर कमिंग, लोगों ने देखा है, सो कैन यू टेल मी उसमें शाहरुख खान का क्या रोल है? हॉकी टीम का क्या होता है, वो फीमेल हॉकी टीम का,
एब्सोल्युटली थैंक्स सागर फॉर आंसरिंग. कोच होता है वो, दैट्स द राइट आंसर. नाउ सी स्टूडेंट्स, राइट स्नेहल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली कोच होता है वो. आपने नहीं देखा है वो स्टूडेंट्स मूवी, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज वॉच इट. टीम स्पिरिट जो होती है, ट्रांजैक्शनल लीडर बेस्ट एग्जांपल है. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, कोई भी हम हिसाब किताब रख रहे हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं ना, अगर चलो आपने ये मूवी नहीं देखा है, यू मस्ट हैव सीन भाग मिल्खा भाग, यस और नो, आप देखो उसमें भी उसका जो कोच था, आपको अगर पता ही होगा सी स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स में हम एक दो सेकेंड से भी यू नो हार सकते हैं. ओके, तो ट्रांजैक्शनल लीडर व्हाट ही विल डू इज इन माइन्यूट ही विल ऑब्जर्व. सी मतलब ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स मोस्टली यू नो स्पोर्ट्स पर्संस के लिए होते हैं, बिकॉज यू नो दे हैव टू कीप अ वॉच ऑन देयर एक्टिविटीज की डिटेल में ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं. ओके, सेम वे अगर मैं आपको बताऊं, इफ देयर इज अ लीडर उसको बहुत कंसर्न है प्रॉफिट लॉस से, देन दैट सच टाइप ऑफ अ लीडर इज नोन एज अ ट्रांजैक्शनल लीडर. ट्रांजैक्शन मतलब उसको यू नो कितना एम्प्लॉय कंपनी को फायदा कराया है, नुकसान कराया है, वो सब चीजों की बेसिकली बातें हो रही है. ठीक है, मोस्टली अगर हम देखें ये जो लीडरशिप स्टाइल है, जैसे कि मैंने आपको कहा, यू विल फाइंड इट इन स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, बिकॉज माइन्यूटली वो लोग ये सब देखते हैं, यू नो ट्रांजैक्शन मतलब आप कितनी सेकेंड पीछे रह गए हो, क्यों आप पीछे रह रहे हो. अगेन इफ यू हैव सीन द रोल ऑफ शाहरुख खान, ही न्यू ईच वन ऑफ द प्लेयर्स वेरी वेल, किसकी क्या स्ट्रेंथ थी, किसकी क्या वीकनेस थी, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है. ओके, मतलब आप देखो, हम बोलते हैं ना कि एक हम इंडियन क्रिकेट टीम भी फॉर एग्जाम्पल अगर आगे है तो हम लोग सिर्फ प्लेयर्स को ही देखते हैं, राइट, बट कोचेस का भी काफी बड़ा हाथ होता है उसमें. फाइन, आई होप यू आर गेटिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ. तो ये था ट्रांजैक्शनल. ओके, सो अभी हमारे एक दो ही स्टाइल्स रह गए हैं. ओके, दैट अगेन मैं आपको यूट्यूब वीडियो थ्रू ही दिखाऊंगी, पेटर्नलिस्टिक लीडर एंड कंसल्टेटिव. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, कंसल्टेटिव इज वेरी इजी, आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो. कंसल्टेशन मीन्स क्या, इट्स वेरी मच सिमिलर टू डेमोक्रेसी, मतलब क्या वो अपने लोगों को पूछ के करेगा कुछ काम, राइट. आई मीन सी कंसल्ट मतलब पूछना है किसी को, राइट. हम बोलते हैं ना एक कंसल्टेंट है, मतलब वो लोगों को पूछता है, हाउ कंसल्ट करता है. ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक है, जैसे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, देयर इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, इसलिए कंसल्टिंग, फिर ही वो कुछ डिसीजन लेता है, राइट. एंड अभी हमारा लास्ट जो रह गया है, इट इज ओके. नाउ सी, ये स्टूडेंट्स, दिस एग्जांपल इज मोस्टली यूज्ड इन जापान, कंट्रीज लाइक जापान. सो आई विल टेल यू यूजिंग द वीडियो. सी स्टूडेंट्स, पेटर्नलिस्टिक का क्या मीनिंग हो जाता है, पेटर्नल का अगर आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पता है, पापा जो हमारे होते हैं, ओके, आवर पेरेंट्स. आप देखो हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, आपको पता ही है, यू नो स्ट्रिक्ट होते हैं, पजेसिव हो जाते हैं, राइट. व्हाट दे एक्सपेक्ट, हम उनका रिस्पेक्ट करें, जो वो लोग बोल रहे हैं हम उनकी बातें माने. तो पेटर्नलिस्टिक लीडर एट द सेम टाइम यू नो जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो यू नो पेटर्नलिस्टिक, ओके, तो वो लोग दे विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अस. ठीक है, तो ये लीडरशिप स्टाइल की वही खूबी है. ओके, पेटर्नलिस्टिक लीडर. सी, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू दिस वीडियो what exactly paternalistic is. Okay, hope the video is loading. Okay, yeah, who are load, fine, just observe. Okay, fatherly figure hota hai wo hamara. Okay, yes, वो स्ट्रिक्ट भी हो सकता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, एंड वी कैन बी अ फादर लाइक फिगर. ओके, जिसे हम कुछ भी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं. सी, हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं फॉलो करना पड़ता है, वो डिसीजंस लेते हैं. ओके, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ है कि हम डिपेंड हो जाते हैं, खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, यू नो लीडर जो बोलता है वही उतना हमें करना पड़ता है, राइट.
फेवरेटिज्म हो सकता है इसमें डेफिनेटली. अभी से मतलब वो खुश हो गई कि उसका बॉस आ गया उसे हेल्प करने. राइट सी, हेल्प भी करते हैं, बट वो क्या बोल रही है कि हमें वेजेस बढ़ा के दो, तो उसने ना बोला. सी स्टूडेंट्स, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पापा भी कई बार हम पूछते हैं ना कि पॉकेट मनी दो, वो क्या बोलते हैं, दफा हो जाओ. वेरी मच सिमिलर. सी, वो भी एम्प्लॉय है, काम पे सो रही है. ओके, तो इसने सीधा बोल दिया उसे निकाल दो. मतलब क्या वो, आई मीन, सुन नहीं रहा है किसी का. ओके, रिवॉर्ड्स, लुक हाउ इट वर्क्स. ओके, सी मतलब उसके जो लीडर होता है उसके हाथ में ही डिसीजन मेकिंग होता है स्टूडेंट्स. ओके, पेटर्नल लीडर, ही इज लाइक सिंपली अ फादर फिगर होता है. ओके, ही इज डोमिनेंट. अभी मैं आपको लास्ट दिखा रही हूँ कंसल्टेटिव, उसके बाद आई विल कम टू योर चैट बॉक्स. ओके, यस, कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को पूछ के सब डिसीजंस लेगा. ठीक है, आई विल शो यू दिस वन. सेमी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपको ये दिख रहा है तो. ओके, सेमी फॉर्मल मींस नॉट एग्जैक्टली कॉर्पोरेट्स. मैं आई टेल यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस इज नॉट फॉलोड. ओके, मतलब यू कैन से एक मिड लेवल की कंपनी हो, स्टार्टअप हो, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है. ठीक है, सी, टू वे पार्टिसिपेशन, दोनों को पूछा जाता है. ओके, मीटिंग्स होती रहती है, स्कूल्स, ग्रुप डिस्कशन. ओके, दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स. ओके, सी, वो एक डॉक्टर के साथ हम कैसे कंसल्ट करते हैं, हम उसे अपना प्रॉब्लम बोलते हैं. राइट स्टूडेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ठीक है, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडर. आई होप आप लोगों को समझ में आया. स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपकी वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है. तो अपना, आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. ओके, या तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझा. किसी को कुछ भी डाउट है, वी आर डन विद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है. हमें कुछ आई वुड से और थियोरीज करनी है लीडरशिप की. वन मिनट, या ओके, ग्रेट. सो लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स नाउ. किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ओके, सी, What are the various चलो आज मैं थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल रही हूँ. What are the various styles of leadership? Okay. Explain along with examples. ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ में आया है स्टूडेंट्स. वॉट आर द वेरियस, मैंने आपको पूछा था टाइप्स ऑफ लीडर्स, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, दे आर नथिंग बट द सेम. ओके, किसी को कुछ भी डाउट है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. मैंने आपको आज के लेक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियोज दिए हैं इन एन यू नो कंपनीज में कैसे होता है, रियल लाइफ के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. राइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टाइम हमारा ये जो लीडरशिप का कंसेप्ट है, यू नो और भी कुछ थियोरीज है दैट वी हैव टू फिनिश. हमने ट्रेड थियोरी किया था उसके अलावा भी. सो एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क मी एनी थिंग, कुछ पूछना है? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीकली जो क्विज होता है, जैसे यूनिट टू हो जाएगा आई विल शेयर इट विथ यू. ठीक है, सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर द यू.